नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सरिता गुप्ता, आपके अपने कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ अपने विवाहित जीवन को कैसे सुखमय बनाए और जो आ रही परेशानियाँ उनको कैसे दूर करें। रिश्ते जो है, कुछ रिश्ते हम जन्म से लेके आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी। पर कुछ रिश्ते जो होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बनते हैं, या रिश्ता हमारे दोस्तों का होता है या हमारे लाइफ पार्टनर का। उस लाइफ पार्टनर के साथ हम बहुत जीवन का बहुत लंबा समय बिताते हैं, और उस लंबे समय को बिताने के समय अगर कोई परेशानी आती है तो रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, यानी कि जीवन की जो विवाहित जीवन की गाड़ी है उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी आती है। और आज के टाइम में अगर मैं देखूँ तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, 16 साल, 17 साल, 20 साल बाद शादी के बाद डिवोर्स हो रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, या एक छत के नीचे रह करके भी दोनों लोग अजनबियों की तरह रहते हैं, तो उनको बहुत सारी परेशानियां ऐसी आती हैं। तो उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इन रिश्तों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हमें जीवन में हमेशा परेशानियाँ आती रहेगी और हम तकलीफ़ों का सामना करते रहेंगे। क्योंकि इस सुखी विवाहित जीवन की आवश्यकता इसलिए भी है कि इंसान को जो एक लाइफ का अपना पूरा टाइम जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का उसके साथ गुजारता है, उस समय उसको एक लाइफ पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है। कितनी सुख सुविधा, धन दौलत हो, परंतु अगर ग्रस्त सुख में खराबी है तो दिक्कतें आती हैं। दोनों का घरेलू परिवेश अलग अलग होता है, हस्बैंड वाइफ का, दोनों अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं। पर जब शादी होती है तो पत्नी एकदम से अपने हस्बैंड के घरेलू वातावरण में नहीं ढाल पाती है, और ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है। उसको मायके जैसा वातावरण वहाँ नहीं मिलता, परेशानी आती। दोनों को सामंजस्य बनाने के लिए हस्बैंड को उसकी हेल्प करनी चाहिए, दोनों की भावनाओं की कद्र करते हुए जीवन को चलाए तो काफ़ी हद तक समस्या को दूर हो सकता है। तो कुंडली में ऐसे कोई दोष है जिनको मैं बता सकती हूँ कि उनको अगर दूर कर दें तो उसके बाद उपाय हो सकता है। अगर सप्तम भाव पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, बारहवा भाव या अष्टम पीड़ित है तो दिक्कतें आती हैं। शादी करते हुए गुण मिलान वगैरह सब किया ही होता है, परंतु अगर जो कुछ चीज़ें नहीं भी रह गई हैं तो शादी के बाद उन सब चीज़ों को लेके कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो भी शादी को चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए जरूरी प्रयास करना चाहिए। शादी जो कराता है वो गुरु ग्रह कराता है और शादी चलाता है शुक्र ग्रह। विवाहित जीवन में जो भी परेशानी आ रही है तो उसमें देखना होता है कि कहीं शुक्र ग्रह कहीं पीड़ित तो नहीं है। अगर शुक्र ग्रह पीड़ित है कुंडली में तो माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। क्रीम रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा धारण करना चाहिए। सेंट, परफ्यूम, डियो आदि का उपयोग करें। वस्त्रों पर खास करके आपको ख्याल रखना है कि वस्त्र कभी भी फटे हुए और मैले कुचले ना पहने। गौ सेवा करें और अपने परोसे भोजन में से एक हिस्सा निकाल करके गाय को खिलाएं। यदि आपकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह की पोजीशन ऐसी है कि आप अलाउ कर दें कि ओपल पहने तो आप ओपल पहनना शुरू कर दें। और लड़की औरतों को चाहिए कि गुरुवार के व्रत रखें, केले के पेड़ की पूजा करें, और हस्बैंड को चाहिए कि घर में जब भी आए कम से कम कुछ ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट या कुछ खाने पीने का घर में कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आनी चाहिए। घर में पीले पौधे लगाएं, पीले पौधे नहीं लगा सकते तो लगभग आलू का पौधा लगाएं, आलू का पौधा भी नहीं लगा सकते तो घर में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी रखनी चाहिए। और घर में झूला झूलते हुए राधा कृष्ण जी की फ़ोटो अगर लगाते हैं तो पति पत्नी के संबंध में आपस में बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके साथ साथ मंगल ग्रह की भूमिका भी देखनी चाहिए, क्योंकि घर के सभी मांगलिक कार्यों के कारक मंगल देव होते हैं। यदि मंगल राहु के साथ में है या मंगल ग्रह जो है पाप प्रभाव में शनि के साथ है तो मंगल के ग्रह के दान जैसे लाल कपड़ा, लाल मिठाई आदि का ध्यान करना चाहिए। लड़की की कुंडली में मंगल जो उसके हस्बैंड का कारक भी होता है, तो इसलिए हस्बैंड के लिए मंगल को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, माँ पार्वती जी की पूजा करें। चंद्रमा यानी मन से हम जो है चीज़ों को करते हैं तो उसको भी एक अच्छा करने के लिए माँ पार्वती जी और शिव जी भगवान की पूजा करने से लाभ होता है। इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ें होती है कुंडली में देख के कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि आपके कौन से ग्रह खराब है, उनको ठीक करने के लिए आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है और आपने सुखी जीवन को बढ़िया कर सकते हैं। धन्यवाद।